फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी नेचुरल वर्षा। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करूंगी जिसे यूज करने से आपके फेस पर अगर झाइयां हैं, आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल मार्क्स है, एक्ने मार्क्स है, तो वो आपके हमेशा के लिए रिमूव हो जाएंगे। आपका फेस एकदम क्लीन हो जाएगा, आपकी स्किन जो है वो शाइन करने लगेगी, ग्लो करने लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन होगी उसे क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि मैं जब भी अपनी कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिलती रहे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पपाया फेशियल। पपाया यानी कि पपीता। पपाया हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, खासकर गर्मियों में तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये हमारी स्किन के लिए। अगर पपाया से हम अपनी स्किन पर फेशियल करेंगे तो ये हमारे स्किन की गहराइयों में जाकर हमारे फेस के दाग धब्बों को हमेशा के लिए रिमूव कर देगा और हमारे फेस पर एक शाइन ऐड करेगा, ग्लो ऐड करेगा, जिससे हमारी स्किन एकदम क्लियर और क्लीन दिखाई देगी। अगर आपके फेस पर बहुत ही ज़्यादा झाइयाँ हैं, बहुत ही जिद्दी झाइयाँ हैं, आप बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी होम रेमेडीज जो है अपने फेस पर यूज़ कर चुके हैं, तब भी आपकी जो झाइयाँ हैं वो इतनी जिद्दी है कि जाने का नाम नहीं लेती, सो आप इस पपाया फेशियल को यूज़ करके देखें और इसका रिजल्ट अपनी आँखों से देखें। पपाया आपकी स्किन की गहराई में जाकर आपकी झाइयों पर इस तरह से वर्क करेगा कि आपकी झाइयों को जड़ से रिमूव कर देगा। गाइस, गर्मी आ गई है, गर्मियों में सनटैन की वजह से जो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, हमारी स्किन पर दाग धब्बे हो जाते हैं, डार्कनेस आ जाती है, झाइयां आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उन्हें कैसे रिमूव करें, बिकॉज हम पार्लर भी नहीं जा सकते लॉकडाउन की वजह से, इसलिए आपको घर पर ही होम रेमेडीज से अपनी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाना होगा। सो गाइज, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ ये पपाया फेशियल शेयर कर रही हूँ जिससे आप घर पर ही अपनी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बना सकते हो और अपने फेस को एकदम क्लीन कर सकते हो, अपने फेस से दाग धब्बे, रिंकल्स और फाइन लाइंस, झाइयों को रिमूव कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन पर एक ग्लो ऐड होगा। सो गाइज, सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा पपाया और उसे अच्छे से धोकर उसे कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको उसकी प्यूरी बना लेनी है। आप चाहे तो उसे चम्मच से भी मैश कर सकते हैं, बट चम्मच से मैश करने से वो इतने अच्छे से उसकी प्यूरी नहीं बनेगी, इसलिए मैं इसे मिक्सी के जार में डालकर पीसने वाली हूँ और इसकी एक प्यूरी तैयार करने वाली हूँ। सो गाइज, इसकी प्यूरी से ही आज हम अपना फेशियल कम्प्लीट करेंगे। सो गाइज, मैं इसकी प्यूरी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, मैंने पपाया को पीसकर उसकी प्यूरी अच्छे से तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं, मैंने पपाया को पीसकर उसकी प्यूरी अच्छे से तैयार कर ली है। सो अपने फेशियल को हम कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले लेंगे एक खाली बाउल और इस बाउल में आधा चम्मच भी, इसके बाद आपको इसमें डालना है लगभग आधा चम्मच ही रो मिल्क यानी कि कच्चा दूध। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स करके आपको अपने फेस पर इससे क्लींजिंग करनी है। इससे आपके फेस पर जो भी धूल मिट्टी जमा होगी वो सब साफ हो जाएगी। अपने हाथों से ही आप इस तरह से अपने फेस की अच्छे से क्लींजिंग कर लीजिए। इस तरह से आपको अपने पूरे फेस के अच्छे से मसाज करके अपने पूरे फेस को क्लीन कर लेना है। लगभग एक मिनट तक आपको इस तरह से अपने पूरे फेस को क्लीन करना है। सो गाइज, मुझे एक मिनट हो गया है अपने फेस की मसाज करते हुए। अब मैं अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लूंगी। आपको इस तरह से अपने पूरे फेस को क्लीन कर लेना है। सो गाइज, अब आपको करना है अपने फेस पर स्क्रब। स्क्रब करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक खाली बाउल। एक बाउल में आपको लेना है लगभग आधा चम्मच की प्यूरी। अब आपको इसमें ऐड करना है लगभग आधा चम्मच राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा।
अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ लगभग आधा चम्मच शुगर यानी कि चीनी। आपको चीनी को पहले अच्छे से पीस लेना है, दरदरा पीस लेना है आपको चीनी को। उसके बाद आपको उसे अपने स्क्रब के लिए उसमें ऐड कर देना है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके आपको अपने फेस पर स्क्रब करना है। आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको, एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको इसे मिक्स करके अपने फेस पर इसे स्क्रब करना है। इस तरह से अच्छे से आपको अपने फेस पर स्क्रब करना है। लगभग 5 मिनट तक आपको अपने फेस पर स्क्रब करना है। इससे आपके फेस के व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। और अगर आपके फेस पर डेड स्किन है तो वो भी रिमूव हो जाएगी। इससे आपके फेस के डेड सेल्स निकलकर न्यू सेल्स आएंगे, जिससे आपकी स्किन एकदम हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी। आपको इस होम रेमेडी को हफ्ते में एक ही बार करना है। इसे लेडीज और जेंट्स दोनों ही यूज कर सकते हैं। 5 मिनट तक आपको अपने फेस की इस तरह से अच्छे से मसाज करनी है। बहुत ही हल्के हाथों से आपको अपने फेस की मसाज करनी है, ज्यादा दबाव नहीं डालना अपनी स्किन पर। बिकॉज आपकी जो फेस की स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए अपनी फेस पर जब भी आप कोई भी स्क्रब अप्लाई करें तो बहुत ही हल्के हाथों से करें, उसे ज़्यादा रगड़े नहीं, कभी आपकी स्किन जो है वो डैमेज ना हो जाए। इसलिए आपको बहुत ही हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है। सो गाइस, आपको इस तरह से 5 मिनट तक स्क्रब करना है। पाँच मिनट तक स्क्रब करने के बाद आपको अपने फेस को नॉर्मल पानी से क्लीन कर लेना है। सो गाइस, मुझे 5 मिनट हो गए हैं अपने फेस पर स्क्रब करते हुए। अब मैं अपने फेस को नॉर्मल पानी से क्लीन कर लूंगी। इस तरह से आपको अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। सो गाइस, मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। अब आपको करना है अपने फेस पर मसाज। मसाज के लिए आपको करना है, सबसे पहले आपको लेना है एक खाली बाउल, और उस बाउल में आपको लेना है लगभग 1/2 टीस्पून कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल की जगह जॉनसन्स बेबी हेयर ऑयल भी ले सकते हो। अगर आपके पास में जॉनसन्स बेबी हेयर ऑयल नहीं है या फिर आपके पास में कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास में ये तीनों चीज़ें नहीं है तो आप ओलिव ऑयल भी इसमें यूज़ कर सकते हो, यानी कि जैतून का तेल। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल, लगभग 1/2 टीस्पून ही आपको एलोवेरा जेल ऐड करनी है। और आपको इसमें ऐड करना है आधा चम्मच पपाया की प्यूरी, और इन तीनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हो गई आपकी मसाज क्रीम रेडी। अब इससे हम अपने फेस पर अच्छे से मसाज करेंगे। आपको अपने फेस पर इस क्रीम से अच्छे से मसाज करनी है। लगभग 5 से 10 मिनट तक आपको अपने फेस की अच्छे से मसाज करनी है। इस तरह से मसाज करने से आपका फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा। और आपके फेस पर अगर फाइन लाइन्स रिंकल्स आ गए हैं, अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स भी आपको है तो वो भी आपके
रिमूव हो जाएंगे। आपको अपनी आंखों के चारों ओर भी अगर आपको डार्क स्पॉट्स है तो इससे मसाज कर लेनी है। इससे आपके डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम भी जो है सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयल को स्किप भी कर सकते हो। आप ओनली एलोवेरा जेल और पपाया की प्यूरी से भी मसाज कर सकते हो अपने फेस पर। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, तो आप इसमें कोई भी कोकोनट ऑयल या फिर ऑयलिंग ऑयल, जॉनसन्स बेबी हेयर ऑयल या फिर आप आमंड ऑयल यूज कर सकते हो इसमें। सो गाइस, इस तरह से आपको अपने पूरे फेस की 10 मिनट तक मसाज करनी है। 10 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको अपना फेस क्लीन नहीं करना है, आपको अपने फेस पर ये मसाज क्रीम इसी तरह से छोड़ देनी है। इसके ऊपर ही आपको अपने फेस पर फेस पैक लगाना है। सो गाइस, मैंने अपने फेस पर मसाज कर ली है, मुझे 10 मिनट हो गए हैं अपने फेस पर मसाज करते हुए। अब मैं अपने फेस को पानी से क्लीन नहीं करूंगी, मैं अपने फेस पर इसी तरह से फेस पैक लगाऊंगी। फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है खाली बाउल। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच पपाया की प्यूरी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच कॉफी पाउडर। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1/2 चम्मच कॉफी पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच बेसन। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच चंदन पाउडर। मैंने यहां पर आयुर हर्बल का सैंडलवुड पाउडर लिया है। आप देख सकते हैं आयुर हर्बल का मैंने चंदन पाउडर जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूं। 1/2 चम्मच मैं इसमें चंदन पाउडर ऐड कर रही हूं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इस तरह से आपको इसे मिक्स करके एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है इसका। आप देख सकते हैं मैंने इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। अब ये हमारा जो फेस पैक है वो बन के तैयार है। अब इस तरह से आपको इसे अपने पूरे फेस पर लगा लेना है। इसे लेडीज और जेंट्स दोनों ही यूज कर सकते हैं। इस फेस पैक को ऑयली स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले या फिर सेंसिटिव स्किन वाले, हर स्किन टाइप के लोग इस फेस पैक और इस पपाया फेशियल को ट्राई कर सकते हैं। आपको इस तरह से अपने पूरे फेस पर इस फेस पैक को लगा लेना है। अगर मैंने इसमें कोई भी चीज ऐसी ऐड की हो जो कि आपकी स्किन को सूट ना करती हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। सो गाइस, आपको इस फेस पैक को अपने फेस पर 10 मिनट तक लगा कर रखना है। मैं मिलती हूँ आपको 10 मिनट के बाद। सो गाइस, मुझे 10 मिनट हो गए हैं और मेरा जो पैक है वो लगभग सूख गया है। अब मैं इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लूंगी। ऐसा नहीं है कि आप इसे एक बार ट्राई करेंगे और एक बार के ट्राई करने से ही आपके फेस से जो झाइयां है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगी। अगर आपके फेस पर बहुत जिद्दी झाइयां हैं तो आपको इसे रेगुलर ट्राई करना होगा। आपको इसे हफ्ते में एक बार यूज करना है। लगभग 1 से 1.5 महीने में ही आपको इसका रिजल्ट अपने फेस पर दिखाई देने लगेगा। आपकी जो झाइयां हैं वो हल्की होनी शुरू हो जाएंगी। पपाया हमारी झाइयों को रिमूव करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। मैं आपके सामने ही अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट स्मूथ लग रही है। आप देख सकते हो इसका रिजल्ट अपनी आंखों से। सो गाइज, मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है।
आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट स्मूथ और शाइनी लग रही है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लग रही है मेरी स्किन। मेरी स्किन का टी जोन एरिया बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट है इसका एक बार के यूज करने से ही। सो गाइज, आपको अपने फेस को क्लीन करने के बाद आपको करना है एक लास्ट स्टेप, आपको लेना है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास में पतंजलि का या फिर मार्केट का कोई भी एलोवेरा जेल नहीं है तो आप घर से, जो आपके घर में अगर एलोवेरा जेल का प्लांट हो तो आप उससे भी एलोवेरा जेल निकाल सकते हैं। सो गाइज, मैं यहाँ पर ले रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और उसकी अपने फेस पर अच्छे से मसाज कर लेनी है। आपको इस तरह से अच्छे से मसाज कर लेनी है अपने फेस की। अगर आप अपने फेस पर एलोवेरा जेल अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप एक विटामिन ई का कैप्सूल लेकर भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप विटामिन ई का कैप्सूल और एलोवेरा जेल दोनों ही अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप एक मॉइस्चराइजर क्रीम अगर आपके पास में हो तो उसे भी आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज, आप इस फेशियल को एक बार जरूर ट्राई करके देखें। आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।